हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने रॉनी ट्यूटोरियल्स हिंदी चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था कि 21 तारीख को जो ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है, मैं उस वीडियो में आप लोगों को इफ एल्स और सिंपल इफ के बारे में आप लोगों को ट्यूटोरियल क्लास दूंगा। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो मैंने कंप्लीट कर ली है, तो चलिए अब डायरेक्ट उस ट्यूटोरियल की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में चार तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला सिंपल इफ, दूसरा इफ एल्स, एंड तीसरा नेस्टेड इफ एल्स, एंड चौथा आपका एल्स इफ लाइडर। तो पहले फ्रेंड्स, हम लोग आज सिंपल इफ के बारे में लोग देख लेते हैं। इन दिस कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट वर्क एंड अदरवाइज स्टेटमेंट डज नॉट वर्क। फ्रेंड्स, मतलब इस सेंटेंस का मतलब है कि अगर आपका कंडीशन सही रहता है तो ही आपका ट्रू वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, एंड अदरवाइज आपका मतलब जो स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फ्रेंड्स, आप लोग सिंटेक्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग पहले इफ कंडीशन मतलब यहाँ इफ के बाद इफ एक कीवर्ड है फ्रेंड, है ना, इफ एक कीवर्ड है। उसके बाद पैरामीटर आप लोगों का ओपन होगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, उसके बाद देना आप लोग अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद आप लोग कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग एग्जांपल ऑफ सिंटेक्स देख लीजिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार का आप लोगों का सिंटेक्स लिखा जाएगा एग्जाम्पल में जब हम लोग प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे तब। तो फ्रेंड्स, तो चलिए इस चीज़ का अब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं डायरेक्ट मेरे लैपी की और हम लोग बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सिंपल इफ का तुरंत प्रोग्राम बना देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग अपने वर्ड मेन को ओपन करेंगे। आप तो जान ही रहे होंगे वर्ड मेन क्या है। सो देन कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे फ्रेंड्स हम लोग अपना। उसके बाद इंटीजर में हम लोग एक वैल्यू लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग क्लियर स्क्रीन का कीवर्ड, इसके थ्रू हमारा स्क्रीन क्लियर रहेगा, एंड देन फिर हम लोग प्रिंट करवाएंगे, इंटर करवाएंगे नंबर को फ्रेंड प्रिंट एफ के थ्रू। नंबर टर्मिनेट कर देंगे, एंड देन स्कैन स्कैन एफ एंड देन परसेंट डी, एंड परसेंट डी का हम लोग सिंबल यूज कर चुके हैं। एंड उसके बाद हम लोग इन का सिंबल यूज करते हुए लोग वेरिएबल ए लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम इसे टर्मिनेट कर देंगे फ्रेंड्स, एंड देन उसके बाद हम लोग इफ का हम लोग कंडीशन यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंडीशन का पैरामीटर हम लोग ओपन करते हुए यहाँ हम लोग अपना कंडीशन देंगे ए ग्रेटर देन जीरो, एंड देन फिर इसका कलर बेसिस ओपन हो जाएगा फ्रेंड। कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गया, एंड देन इसके अंदर हम लोग प्रिंट करवाएंगे। इसके अंदर हम लोग प्रिंट करवाएंगे पॉजिटिव नंबर, मैसेज को प्रिंट करवाएंगे फ्रेंड्स। एंड देन इसे भी हम टर्मिनेट कर देंगे, एंड देन हम लोग सी एच का यूज करते हुए प्रोग्राम को हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ये प्रोग्राम कम्प्लीटली ये बन चुका है। चलिए इसे हम लोग अब कंपाइल करके देखते हैं इसमें एरर है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक एरर है, चलिए इसे जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक एरर है, यहाँ हम लोगों ने पैरामीटर शायद छोड़ दिया है। तो जल्दी से इसे देखिए, अब इसे हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी भी इसमें एक एरर बता रहा है प्रिंट एफ ई आर आई, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। हम लोग डाइट से रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एरर आ चुकी है। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना यहाँ एक नंबर डालते हैं, एग्जांपल 76। तो फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव नंबर शो कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स,
अब डायरेक्ट हम लोग अपने अब इफेल्स की और जो हमारा सेकंड टॉपिक है इफेल्स, हम लोग डायरेक्ट उसकी ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अपने आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इन दिस इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ पार्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एंड अदरवाइज एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूट। फ्रेंड्स इस सेंटेंस का मतलब ये हो रहा है कि अगर आपका कंडीशन सही रहेगा तो आपका ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट प्रिंट होगा एंड देन अगर आपका कंडीशन गलत रहेगा तो आपका ब्लॉक सॉरी फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग सिंटेक्स को देख सकते हैं, इफ कंडीशन एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन स्टेटमेंट टर्मिनेट होकर दिए हम लोग, उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड देन फिर एल्स का हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड देन हम लोग वहाँ अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम लोग उसे टर्मिनेट करके कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स ऑफ सिंटेक्स हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग जो नंबर एंटर करवाएंगे वो नंबर में हम लोग फोर नंबर एंटर करवाएं एंड देन आप लोग कंडीशन देख सकते हैं एन एन डिवाइडेड बाय टू एंड इक्वल टू जीरो। फ्रेंड्स उसके बाद हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया एंड देन हम लोग इवन नंबर को प्रिंट करवाया, फिर उसके बाद एल्स हम लोगों ने लिखा है, उसके बाद फिर हम लोगों ने ओड नंबर प्रिंट करवाया। तो फ्रेंड्स आप लोग समझिए इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए कि फोर इज डिवाइडेड बाय टू, ये आपका दो बार में आपका फ्रेंड्स ये कट जाएगा, तो ये जो आपका रिजल्ट आया ये आपका इवेन आपका प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स, इवेन में है ना, इवेन प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स। और आप लोग मान लीजिए अगर आप लोगों ने एन में इंटर करवाया है फाइव, तो टू डिवाइडेड बाय फाइव इक्वल टू टू फोर। देखिए फ्रेंड्स आपका रिमाइंडर एक बच गया, तो ये आपका ओड नंबर में फ्रेंड्स ये आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसे अच्छा से समझते हैं, चलिए अब हम लोग डायरेक्ट अपनी लैपी की ओर बढ़ते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग अच्छे से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फिर से अब हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर में पहुंच चुके हैं, तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से एक इफेल्स का प्रोग्राम बना लेते हैं इवन और ऑड के बेस्ड पे। Then printf and write number, then scanf %d and a and फ्रेंड हम लोग इफ कंडीशन हम लोग यूज करेंगे, इफ इफ के कंडीशन पे हम लोग फ्रेंड्स अब हम लोग लिखने वाले ए डिवाइडेड बाय टू, ए डिवाइडेड बाय टू इक्वल डबल इक्वल टू जीरो एंड देन फ्रेंड्स इसे टर्मिनेट नहीं किया जाता एंड देन कर्ली ब्रेसेस अब ओपन करेंगे इसका फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग प्रिंट इफ हम लोग मैसेज यहाँ प्रिंट करवाएंगे इवन नंबर इवेन नंबर एंड देन फ्रेंड्स अब हम लोग एल्स पार्ट को हम लोग प्रिंट करवाएंगे फ्रेंड्स अब हम लोग and
लेट्स सी इट। अब फ्रेंड्स इसे हम लोग कंपाइल करके देखते हैं इसमें एरर है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें एक भी एरर नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे हम लोग रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंटर नंबर बोल रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग को नंबर इंटर करवा देते हैं। इट मीन्स 7 को लोग इंटर करवाया तो ये ऑड नंबर बता रहा है। एंड देन हम लोग अब दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब ये हम लोग 8 को इंटर करेंगे तो देखिए ये इवेंट नंबर बता रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, क्योंकि रोज़ाना मैं एक ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।